ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਘਾਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੰਡਾ ਦਾ ਇੰਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ सभी किसान भाइयों फिर से स्वागत है आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु जी यूट्यूब चैनल पर बैक रोटरी की वीडियो। दोस्तों किसान मेले में पहुंच चुका हूं और यहां पर रासन कंपनी की जो कि स्प्रे मैन इनका ब्रांड है उनकी स्टॉल लगी हुई है। और हमारे किसान भाई क्या होता है कि मुख्यतः गन्ना वगैरह की खेती करते हैं, यूपी हुआ, बहुत सारे ऐसे हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर गन्ना की खेती करते हैं, तो उनको खरपतवार निकालने के लिए जो बैक रोटरी की आवश्यकता पड़ती है या मिट्टी चढ़ाने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। तो मेरे किसान भाइयों आज आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको बैक रोटरी दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। तो अभी मेरे साथ में हर्ष भाई है, हर्ष भाई से पूरी जानकारी लेंगे इन बैक रोटरियों से और क्या क्या काम हमारे किसान भाई कर सकते हैं, क्या क्वालिटी है, कितने एचपी का इसमें इंजन दिया हुआ है, तो पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो हर्ष भाई आपका चैनल में हमारे में स्वागत है जी। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि मेला जो लुधियाना में मार्च में लगा 2023 का, जिसके अंदर हमने जो है एक प्रदर्शनी लगाई है, जिसके अंदर हमने अपना स्टॉल लगाया ताकि किसानों को जो है ये सारा जो मेला है वो दिखाएं और उस मेले के अंदर जो क्या मशीनें हम लेके आए हैं, क्या इसमें हटके करा हुआ है, क्या नई चीजें हम लेके आए हैं, तो वो दिखाना चाहते थे। तो इस मेले में आप सभी का जो है वो स्वागत है जी। जी तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी इस बैक रोटरी से। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मॉडल है आपका। तो ये हमारे किन किसानों के लिए आपने ये बैक रोटरी बनाई है सर? ये जो क्या है किसानों के, जिन किसानों को गुड़ाई करनी है, चाहे गन्ने के अंदर, सब्जी के अंदर, बागों के अंदर, बगीचा वगैरह है उनके अंदर करनी है, चाहे खुले खेत की जुताई करनी है या पेड़ों के आसपास करनी है या आपको सब्जियों में करनी है जी, तो उनके लिए ये बैक रोटरी पावर वीडर बहुत ही कम बढ़िया है जी, जी, जी। जिन लोगों ने कतार के अंदर जो है सीधी लाइन के अंदर जो है वो गुड़ाई वगैरह करनी है, तो ये जो है 850 मॉडल आपने बोला था जी, 850 मॉडल बड़ा मॉडल है जिसमें हमने जो है देख सकते है की काफी 850 मॉडल यहाँ लिखा भी हुआ है। डीजल इंजन लंबार्डनी का इंजन लगा रखा है। अच्छा, किसका? कोलर अम्मा लंबार्डनी का इंजन लगा हुआ है जी। ये जो कंपनी है ये इटालियन इटली की कंपनी है जी, जी। जिसका महाराष्ट्र औरंगाबाद के अंदर प्लांट है। अच्छा, तो कोलर का है जी, इंडिया के अंदर बनता है और ये इंजन डीजल इंजन है और डीआई है जी। जी जी, डीआई इंजन है जिसके अंदर रस्सी स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, सेल्फ स्टार्ट का भी इसमें प्रावधान दिया हुआ है और रिकॉल स्टार्ट का भी है जी। 5-10 के इसके अंदर हमने बिल्कुल टायर दे रखे है, ट्रैक्टर गुड्डी वाले टायर हैं जी। जी, अब बात करें कि आपकी जो इसमें रोटरी दी हुई है तो गियर बॉक्स की क्वालिटी मेन होती है और हमारे इंजन की क्वालिटी तो आपने बता दी, लेकिन गियर बॉक्स की क्वालिटी के बारे में थोड़ा बताएं आप जी। ये मैं दिखाना चाहूंगा किसानों को जो गियर बॉक्स है जी, ये हमने जो है लगभग आप देख सकते हैं कि 1-2 गीट लंबा, मतलब इतना लंबा इसका जो है वो गियर बॉक्स है जो तेल में डूबा रहता है हर वक्त। अच्छा, इसके गियर बॉक्स के अंदर तेल डला हुआ है और ये गियर बॉक्स जो है पूरा ट्रैक्टर की तरह कॉपी करा हुआ है जी। जी, जैसे ट्रैक्टरों का गियर बॉक्स होता है उसको कॉपी करा हुआ है, बस फर्क ये है कि ट्रैक्टर में इतनी बड़ी गिरारी है तो इसमें इतनी छोटी गिरारी है, पर ताकत और काम करने का तरीका और लाइफ जी चीज है जो ट्रैक्टर में होती है। अब थोड़ा सा बात करें, आपने ये लगा रखे ऐसा तो नहीं है कहीं ये टूट फूट जाए, कहीं ऐसे जुताई करते ये जो है पूरे कवर जो है ये टाइट फंसे, आप देख सकते हैं हिल नहीं सकते, अलाव कर सकते हैं आप इसको, जैसे अच्छा लगे रहेंगे। हैंडल वगैरह भी पूरा इसका हमने जो है काफी लंबा हैंडल दे रखा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब थोड़ा सा हर्ष भाई बात करें रोटरी के बारे में, जो इसकी बैक रोटरी है तो उसकी साइज क्या रहने वाली है? रोटरी दिखाना चाहूंगा आपको, जो इसकी रोटरी है आप देख सकते हैं कि ये जो रोटरी है ये 3 फुट लंबी इसके अंदर हमने वो रोटरी लगाई है, तो 3 फुट एरिया जो है ये कवर करती है इसकी रोटरी। अच्छा, देख सकते हैं और इसको जो है कम ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि ये नट बोल्टों से कसी हुई है। अच्छा, अगर आप इसकी रोटरी अभी तो ये 36 इंच साइज में है जी, आप इसको कम करके जैसे कि 2.5 फुट पे करना है या आपने अगर 1.5 फुट में भी करना है तो 1.5 फुट के 18 इंच के अंदर भी जो है ये, अच्छा 18 इंच के दायरे के अंदर भी है जो ये निराई गुड़ाई कर देगी जी। जी 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 जी। अब बात करें जैसे गन्ना की खेती है हमारी और उसमें मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है
है या लहसुन की खेती करते हैं उसमें भी मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या पॉसिबल है इससे हम मिट्टी चढ़ा पाएंगे? अगर तो आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ानी है, आप इसके साइडों के कवर उतार दे तो ये जो मिट्टी है वो फेंकता रहेगा जी, दोनों तरफ जो आपकी मिट्टी चढ़ती जाएगी। और अच्छा, अगर आपको ज्यादा मिट्टी चढ़ानी है तो हमने इस तरीके से इसके पीछे जो है ये फाला भी लगा रखा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये इस तरीके का फाला जो है वो रोटी के ऊपर जो है वो लग जाता है, तो ये फाला लगा के जो है आप अपना मिट्टी चढ़ाने का काम भी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये अटैचमेंट लगा के हम जो है मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हैं। जी जी। अब सर बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बैक रोटरी हम चलाएं काम करें तो इसको टर्न करने में कोई दिक्कत आए या फिर क्वालिटी हल्की हो कहीं? सर टर्न करने के लिए बहुत इसमें बढ़िया सुविधा है, आप इसके हैंडल को भी ऐसे घुमा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये देख सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंशियल होता है तो आप आसानी से आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक मूव कर सकते हैं आसानी से, आप देख सकते हैं उतना छोटा सा प्लेटफॉर्म था, मैं उसके ऊपर भी जो है इसको घुमा सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ मेरी मशीन बिल्कुल सीधी जाए तो मैं इसका ये 4x4 ऑन कर दूंगा जी, 4x4 जैसे ही ऑन हुआ तो मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये ट्रैक्टर बिल्कुल सीधा लाइन में चलता रहेगा, क्योंकि 4x4 में इसके दोनों चक्के आपस के अंदर ऐसे लॉक हो जाते हैं जी। तो अगर ये वाला टायर घूम रहा है तो ये वाला भी जो है साथ के साथ घूमेगा ही घूमेगा। तो मतलब हमारे मान के चलो हमने जैसे फेरा लिया जुताई करके तो इसको हम ऐसे लॉक करके छोड़ दे तो ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा, और जब आपको घुमाना है तब इसका लॉक ऐसे निकाल दे तो ये उधर इतने दायरे में जो है वो घूम सकती है। तो सर बात करें इसमें गियर्स वगैरह के प्रावधान के बारे में, और क्या महिलाएं भी इसको चला पाएंगी या नहीं चला पाएंगी? आसानी से चला सकते हैं, जैसे महिलाओं के फेवर कद का छोटे होते हैं जी, हैंडल को भी जो है। अच्छा, हैंडल को भी एडजस्ट कर सकते हैं? जी जी जी, यहाँ पे एडजस्ट करके आप इसको जैसे मर्जी जो है लेके जा सकते हैं। और गियर की बात करें तो गियर सिस्टम इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 गियर आगे के हैं और 2 गियर इसके पीछे के हैं। जी जी जी, 3 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर है। और ये क्लच का सिस्टम है, इसके अंदर क्लच भी दे रखा है, मतलब ये मशीन इंजन से डायरेक्ट जुड़ी हुई है और क्लच के का सरिये काम करती है। तो आपका उसमें तो कोलर लंबानी का था आपका, अब यहाँ पे ये इंजन आपने किस कंपनी का दिया हुआ है इसमें? इसके अंदर जो है हमने होंडा का, आप देख सकते हैं पावर्ड बाय होंडा जी, जी होंडा GX 270 का इंजन हमने जो है इसके अंदर वो है। तो इसमें कितने HP का इंजन है? ये 9 HP का इंजन है जी, 270 वाला, और कोलर लंबाड़ी का जो इंजन था वो 10 HP का था, और इसमें एक 7 HP का इंजन भी आता है। तो आपने ये 3 मॉडल लॉन्च किए, तो ये क्या सोचकर आपने 3 मॉडल लॉन्च किए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा है जी, जुताई का काम जो है मैं पहले पावर टिलर दूसरा भी बनाता था सेंटर रोटरी, किसानों की अक्सर शिकायत होती है कि भैया खुले खेत में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब लाइन में जाना तो वाइब्रेशन बड़ी होती है, आदमी थक जाता है और वो कभी इधर गिर गए कभी उधर को गिर गए, ये भी होता है। और चलाते हुए आदमी भाई 2 घंटे ज्यादा नहीं चला सकता, थक जाता है। पर लोगों को किराए पे भी काम करना है या जिनका खेती ज्यादा है तो उनका तो काम ही नहीं निपटता था, तो उसके लिए बैक रोटरी बनाई कि छोड़ भी दोगे तब भी चलती रहे, कोई वाइब्रेशन नहीं है, मशीन सीधी चलेगी, डामा डोल नहीं करेगी, और ट्रैक्टर वाली जो है वो फीलिंग आपको देगी। तो 1 घंटे में हम कितना इससे काम कर पाएंगे और कितना हमारा खर्चा होने वाला है, या एक्स्ट्रा इनकम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सर ये जो है 1 घंटे के अंदर, जैसे ये लेता है मॉडल हमारा 1 लीटर पेट्रोल और ये वाला लेता है 650 ग्राम, एक एकड़ को लगभग 2 घंटे में जो है ये कर देते हैं, 6 इंची गहराई जुताई जो है वो कर देता है। और इनकम की बात करें तो आदमी इससे लगा ये इंजन जो है लगातार 5-6 घंटे चल जाते हैं, और अगर चाहे तो आदमी आसानी से 8-10 घंटे काम इसके साथ ले सकता है। अच्छा, 8-10 घंटे लगातार हम इससे जो है काम कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम भी हम जनरेट कर पाएंगे। तो आप बात करें आपके छोटे मॉडल के बारे में, इसकी इसमें किसका इंजन है? ये भी होंडा का GX 200 ISI इंजन है, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि ISI मार्किंग भी जो है वो हमने करी हुई है कंपनी ने, होंडा का इंजन है, 2 साल की इसकी गारंटी है जी, और जो है आपको पूरा काम जो है वो करवाती रहेगी। तो अब थोड़ा सा बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं है हम चलाएं तो हमें थकान वगैरह हो जाए, वाइब्रेशन वगैरह ज्यादा हो तो हमारे किसान भाई थक जाएगा जल्दी? नहीं नहीं, इसको आप आसानी से जो है वो चला सकते हैं बिना थके हुए, बिना वाइब्रेशन के, सीधा छोड़ देंगे तो सीधा सीधा चलती रहेगी, कोई थकावट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होएगा आपको। तो मेरे किसान भाइयों, अभी भाई ने बताया कि कोई भी थकावट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, अब थोड़ा सा बात करें तो आपका 3 मॉडल लॉन्च करने के पीछे क्या उद्देश्य था? काम तो उससे ही चल जाता? वो मॉडल था जी बड़ा, जैसे महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, कर्नाटका का फार्मर को वो डीजल इंजन पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पे डीजल पेट्रोल का रेट का फर्क ज्यादा है जी, और मिट्टी है लाल काली, मतलब पथरीली हार्ड मिट्टी है, तो वहाँ पे उन्हें ताकतवर मतलब भारी भी मशीन भी भारी चाहिए कि जो 2 क्विंटल से ऊपर की मशीन हो, तो उनके लिए वो मॉडल है। जो मेरे यूपी, हरियाणा, राजस्थान,
हिमाचल और ये आपने छत्तीसगढ़ झारखंड के किसान हैं, तो उनके लिए पेट्रोल इंजन ज़्यादा बढ़िया कारगर है। तो उसके लिए 830 और 840 उन किसानों के लिए जो मतलब 1.5 फुट काम करना चाहते हैं, कम काम है तो उनके अंदर ही काम करना चाहते हैं, उनके लिए 830 मॉडल बढ़िया है। और जो ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो वो उनके 840 मॉडल ले सकते हैं। तो अब बात करें, जैसे हमारे किसान भाई इनको खरीदना चाहें तो इनके साथ में क्या क्या इम्प्लीमेंट फ्री मिलने वाले हैं या यही मिलेंगे जो रखे हैं? साथ में इसके सर मेन तो रोटरी ही आती है और पीछे का ये जो लेवल वाला लगा हुआ है ये आता है। अलग से कोई अटैचमेंट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। जैसे कि इसके अंदर 22 अटैचमेंट हमारे पास है, रीजर, कल्टीवेटर, स्प्रे पंप, ट्रॉली, शीट, रीपर, वो रीपर भी यहाँ पे हमने रखा हुआ है। बैक रोटरियों में लग जाएगा जी? ये रीपर हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, हमने रखा हुआ है, तो ये रीपर भी जो है आप इसके साथ लगा सकते हैं। और ये 3 फुट का जो है ये रीपर है और डबल पंखुड़ी वाला, ऊपर भी पंखुड़ी नीचे भी पंखुड़ी, डबल फिरकी वाला ये रीपर है 3 फुट का और ये डायरेक्ट पीछे पीटीओ से जुड़ता है। अच्छा, पीटीओ से जुड़ जाएगा, कोई इसमें आपको बेल्ट नहीं मिलेगी, कोई पुली वगैरह नहीं मिलेगी। और चेन वाला ये रीपर है, गियर बॉक्स के साथ ये जो है रीपर लगा हुआ है। तो अभी चलो ये तो काम हो जाएगा, अब बात करें थोड़ा सा गारंटी वारंटी के बारे में। तो इन आपके बैक रोटरियों की कुछ गारंटी वारंटी है या नहीं है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। किसान भाई होंडा का मॉडल लेंगे उसके अंदर उसको 2 साल की इंजन की गारंटी और 1 साल की गियर बॉक्स मिलेगी। और जो किसान भाई लंबार्डनी कोलर का मिलेंगे तो उन्हें 1 साल की इंजन की और 1 साल की गियर बॉक्स की गारंटी मिलेगी। जी जी जी। तो आप बात करें बारी बारी से प्राइस के बारे में, तो क्या प्राइस रहने वाला है और सब्सिडी वगैरह का कुछ प्रावधान है या नहीं? पहले बात करते हैं 830 मॉडल की, जिसमें होंडा 7 HP का इंजन है। होंडा 7 HP का इंजन है, 2.5 फीट की रोटरी है, 5 गियर है, 4x4 सिस्टम है। ये 830 मॉडल 1,20,000 का। और अगर कोई 840 लेना चाहता है जिसमें होंडा 9 HP का इंजन है, 3 फुट की रोटरी है, बड़े टायर है, तो वो 1.5 लाख का पड़ेगा। और अगर कोई डीजल इंजन लेना चाहता है 850 कोलर लंबार्डनी जो सेल्फ स्टार्ट है, 10 हॉर्स पावर का इंजन है, तो ये पड़ेगा 1,95,000 का। पर इसके अंदर आपको 12 हॉर्स पावर पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है जिसकी कीमत है 1,60,000। जी जी जी। तो मेरे किसान भाइयों, अभी सर ने प्राइस भी बता दिया है, सब्सिडी वगैरह इन पे मिलेगी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा इसके बारे में? सब्सिडी भी हमारे मॉडल पे मिलती है, साथ इनके हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट है जो पूरे मॉडल की, तो आगे को किसान भाई अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है और सब्सिडी के ऊपर पा सकता है। तो अब हमारे किसान भाई इनको कैसे खरीद पाएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में और बता दीजिए। जी, हमारी कंपनी का नाम है राजसन एग्रो इंजीनियर्स, आप देख सकते हैं, और स्प्रे मैन हमारी कंपनी का ब्रांड है। अगर कोई किसान भाई इसको लेना चाहता है तो वो हमारी कंपनी में संपर्क कर सकता है, स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, जानकारी ले सकता है, बुकिंग करा सकता है, या वो हमारी कंपनी में आके जो है इसको खरीद भी सकता है। तो मेरे किसान भाइयों, शायद आशा करता हूँ हमारे हर्ष भाई ने और हमने आपको मिलकर जानकारी दी उससे आप संतुष्ट होंगे। और यदि आप लोग खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप खरीद सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।